नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूं आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनीत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेड साइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है, यद्यपि वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है। वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों, टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है।
वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल, यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सवी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूह कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनेत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्हाण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें
संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम
चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9, मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य। इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10, रब्बा खैर करे रिमिक्स। इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11, विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स। इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनीत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याड़, दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक
मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल, यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर 2 रब्बा खैर करे भाग 1 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 3 विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कहाँ खो गया भाग 1 इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर 6 जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर 7 रब्बा खैर करे भाग 2 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 8 कहाँ खो गया भाग 2 इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा। कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला
अभिनीत, रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी। छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम। उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007। कार्यकारी समय 110 मिनट। देश भारत। भाषा हिंदी। भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेड साइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेड साइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में, बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है। वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है। सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों, टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेंकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में, गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006, डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007, फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43, लेवल सारेगामा, निर्माता प्रीतम, प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006, हैट्रिक 2006, जस्ट मैरिड 2006।
सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक, एक पल में, इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो, रब्बा खैर करे, भाग एक, इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन, विकेट बच्चा, इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार, कहाँ खो गया, भाग एक, इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच, मैं घर आ रहा हूँ, इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः, जब छः मेरा जादू, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात, रब्बा खैर करे, भाग दो, इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ, कहाँ खो गया, भाग दो, इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ, मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य, इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस, रब्बा खैर करे रिमिक्स, इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर ग्यारह, विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स, इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनेत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है,
सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यद्यपि वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर सरबजीत, सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े
तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनेत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याड़ दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेंकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल,
कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा धन्यवाद हैट्रिक फिल्म हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है जिसमें रिमी सेन कुणाल कपूर नाना पाटेकर डैनी डेंजोगप्पा परेश रावल ने अभिनय किया है निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला अभिनीत रिमी सेन कुणाल कपूर नाना पाटेकर डैनी डेंजोगप्पा परेश रावल असावरी जोशी छायांकन निर्मल जानी संगीत दिया है प्रीतम उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007 कार्यकारी समय 110 मिनट देश भारत भाषा हिंदी भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है लेकिन उसके पास भयानक बेड साइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है डॉक्टरों के उनके कर्मचारी जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में
गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है। सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यद्यपि वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा
और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनेत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है, यद्यपि वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए
अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है। वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों, टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल, यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर सरबजीत, सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत, हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006, डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007, फिल्म रिलीज, शैली फिल्मी, लंबाई 50-43, लेवल सारेगामा, निर्माता प्रीतम, प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006, हैट्रिक 2006, जस्ट मैरिड 2006। सभी गीत मयूर पुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर 2 रब्बा खैर करे भाग 1 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 3 विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कहाँ खो गया भाग 1 इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर 6 जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर 7 रब्बा खैर करे भाग 2 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 8 कहाँ खो गया भाग 2 इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनीत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी।
छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याड़, दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों, टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 एक पल में इस गाने के गायकार के हैं।
गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक, इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा, इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक, इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ, इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो, इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो, इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य, इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स, इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर ग्यारह विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स, इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनीत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेड साइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेड साइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है।
सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लापरवाह छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यद्यपि वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रू कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है
तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनेत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है, यद्यपि वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है। वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेंकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत
सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में, गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006, डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007, फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43, लेवल सारेगामा, निर्माता प्रीतम, प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006, हैट्रिक 2006, जस्ट मैरिड 2006, सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं, सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर 2 रब्बा खैर करे भाग 1 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 3 विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कहाँ खो गया भाग 1 इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर 6 जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर 7 रब्बा खैर करे भाग 2 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 8 कहाँ खो गया भाग 2 इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनेत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याड़, दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं।
इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है। सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चवणी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है।
दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनीत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेड साइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है, यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है। वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों
टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल, यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर 1 पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर 2 रब्बा खैर करे भाग 1 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 3 विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 कहाँ खो गया भाग 1 इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूह कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर 6 जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर 7 रब्बा खैर करे भाग 2 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 8 कहाँ खो गया भाग 2 इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनीत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्हाण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में
हेड डॉक्टर है सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है, यद्यपि वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है। वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों, टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना, डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है।
गाना नंबर 5 मैं घर आ रहा हूँ, इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर 6 जब छः मेरा जादू, इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर 7 रब्बा खैर करे भाग 2, इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर 8 कहाँ खो गया भाग 2, इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 9 मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य, इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 10 रब्बा खैर करे रिमिक्स, इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स, इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनेत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेडसाइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेडसाइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का
प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है। यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है, वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर, मनोज पाहवा, असलम शेख के रूप में हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में गीत संगीत हैट्रिक साउंडट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं। सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है। गाना नंबर एक एक पल में इस गाने के गायकार के हैं। गाना नंबर दो रब्बा खैर करे भाग एक इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर तीन विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार कहाँ खो गया भाग एक इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं। गाना नंबर छः जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं। गाना नंबर सात रब्बा खैर करे भाग दो इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं। गाना नंबर आठ कहाँ खो गया भाग दो इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर नौ मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर दस रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको हैट्रिक मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद।
हैट्रिक फिल्म। हैट्रिक एक 2007 की भारतीय हिंदी स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया है, जिसमें रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल ने अभिनय किया है। निर्देशक मिलन लुथरिया द्वारा लिखित सौरभ शुक्ला, संवाद पटकथा की है रजत अरोड़ा, कहानी द्वारा रजत अरोड़ा द्वारा निर्मित रोनी स्क्रूवाला, अभिनीत रिमी सेन, कुणाल कपूर, नाना पाटेकर, डैनी डेंजोगप्पा, परेश रावल, असावरी जोशी, छायांकन निर्मल जानी, संगीत दिया है प्रीतम, उत्पादन कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 16 मार्च 2007, कार्यकारी समय 110 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, भूखंड डॉक्टर सत्यजीत चव्याण दिल्ली के एक सिविल अस्पताल में हेड डॉक्टर है। सत्यजीत को अच्छी तरह से सम्मानित और सम्मानित किया जाता है, लेकिन उसके पास भयानक बेड साइड शिष्टाचार है और वह आमतौर पर सभी के प्रति असभ्य है। डॉक्टरों के उनके कर्मचारी, जिनमें से अधिकांश मेडिकल स्कूल से बाहर युवा इंटर्न हैं, उनके बेड साइड तरीके के बारे में पूछताछ करते हैं। वह उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसका काम मरीजों का इलाज करना है और बिस्तर उन लोगों को आवंटित किया जाना चाहिए जिनके जीवित रहने और बेहतर होने की सबसे अधिक संभावना है। हम पाते हैं कि सरकारी अस्पताल, विशेषकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में बिस्तर की जगह में गंभीर रूप से सीमित है और शहर में सबसे ज़्यादा पीड़ित मरीजों को आकर्षित करते हैं। इन कठोर परिस्थितियों ने सत्यजीत और उपचार पर उनके विचारों को आकार दिया है। सरबजीत सभी सिंह और कश्मीरा सिंह एक युवा पंजाबी युगल है, वे शादी करने वाले हैं। अरेंज मैरिज से हटकर उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चुना है। वे अपने माता पिता को एक संयुक्त रात्रि भोज में आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी पसंद के बारे में सूचित करते हैं। माता पिता उपकृत करने के लिए खुश हैं और वे खुशी खुशी शादी समारोह की व्यवस्था करते हैं। हालांकि एक बार शादी करने के बाद सभी और कश्मीरा को अपनी अलग अलग रुचियों और आकांक्षाओं का पता चलता है। मुंबई संघर्ष क्रिकेट के आसपास है, सभी क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रशंसक है और कश्मीरा को खेल की बहुत परवाह नहीं है। सभी भारत के हर मैच को पूरे जोश के साथ देखते हैं। हालांकि कश्मीरा को अकेला और लावारिस छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे परित्यक्त और अप्रभावित महसूस करती है। हेमेंद्र हेमू पटेल लंदन के एक हवाई अड्डे पर काम करने वाले चौकीदार हैं। वह एक गरीब अप्रवासी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। उसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश नागरिकता को सुरक्षित करना है ताकि वह महान समारोह के साथ भारत लौट सके, जैसा कि उसने अपने अन्य रिश्तेदारों को दिया है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त की है। वह अपने यूके इच्छुक किशोर बेटी के सांस्कृतिक मतभेदों से निपटता है। उनकी पत्नी प्रिया स्नेही और सहयोगी है, यदि भी वह ब्रिटिश नागरिकता के लिए अपनी परिणामी खोज को साझा नहीं करती है। वह आमतौर पर उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डेविड अब्राहम, जिन्हें प्रशंसकों द्वारा प्यार से चाइना मैन कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्हें अक्सर खेलों, टिप्पणी के लिए समारोह और खेल आयोजनों में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सभी के माता पिता उसका सामना करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपने जोशीले उत्साह में कश्मीरा की उपेक्षा की है। जब वह उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पाएगा तो वह उससे प्यार कैसे कर पाएगी। वह अंत में इसे समझता है और कश्मीरा को खुश करने के लिए नए उत्साह के साथ लौटता है। वे फिर से मिल जाते हैं। फेंकना डॉक्टर सत्यजीत चन्हार के रूप में नाना पाटेकर, डेविड अब्राहम उर्फ डेविड अन्ना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा, हेमेंद्र हर्षद भाई हेमू पटेल यूके में अवैध अप्रवासी के रूप में परेश रावल, कश्मीरा सिंह के रूप में रिमी सेन, क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति की पत्नी कुणाल कपूर, सरबजीत सभी सिंह के रूप में क्रिकेट के प्रति जुनूनी व्यक्ति, प्रिया पटेल के रूप में असावरी जोशी, हेमू पटेल की पत्नी श्रीमती चमड़ी के रूप में प्रतीक्षा लोंकर,
मनोज पाहवा असलम शेख के रूप में, हेमेंद्र पटेल की बेटी के रूप में अमृता खानविलकर, जॉन अब्राहम अतिथि के रूप में, गीत संगीत हैट्रिक साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा प्रीतम मुक्त 8 दिसंबर 2006 डिजिटल रिलीज 16 मार्च 2007 फिल्म रिलीज शैली फिल्मी लंबाई 50-43 लेवल सारेगामा निर्माता प्रीतम प्रीतम कालक्रम भागम भाग 2006 हैट्रिक 2006 जस्ट मैरिड 2006 सभी गीत मयूरपुरी द्वारा लिखे गए हैं सभी संगीत प्रीतम द्वारा रचित है गाना नंबर 1 एक पल में इस गाने के गायकार के हैं गाना नंबर 2 रब्बा खैर करे भाग 1 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं गाना नंबर 3 विकेट बच्चा इस गाने को उषा उत्थुप और अर्ल डिसूजा ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर 4 कहाँ खो गया भाग 1 इस गाने को सोहन चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर 5 मैं घर आ रहा हूँ इस गाने के गायकार रूप कुमार राठौर और कैरालिसा मोटेरो हैं गाना नंबर 6 जब छः मेरा जादू इस गाने के गायकार महालक्ष्मी अय्यर हैं गाना नंबर 7 रब्बा खैर करे भाग 2 इस गाने के गायकार लाभ जंजुआ हैं गाना नंबर 8 कहाँ खो गया भाग 2 इस गाने को सोहम चक्रवर्ती ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर 9 मैं घर आ रहा हूँ आश्चर्य इस गाने को राणा मजूमदार ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर 10 रब्बा खैर करे रिमिक्स इस गाने को लाभ जंजुआ ने अपनी आवाज़ में गाया है गाना नंबर 11 विकेट बच्चा क्लब रिमिक्स इस गाने को अर्ल डिसूजा और उषा उथुपी ने अपनी आवाज़ में गाया है दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद